नालच चौपारण से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नालच चौपारण पश्चिम में स्थित पिछले कई महीनों से भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी और खोने की शिकायतें फरियादी द्वारा नालच चौपारण पुलिस स्टेशन और ऑनलाइन दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस वरिष्ठों के मार्गदर्शन में नालच चौपारण पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और देश के अलग अलग राज्यों से 56 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत आपको बता दें 10,71,000 से अधिक बताई गई है। वही पुलिस द्वारा उन चोरी और खोए हुए मोबाइल उसके सही मालिकों के पास लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आए, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि उनका चोरी हुआ और खोआ हुआ मोबाइल दोबारा मिल पाएगा। वहीं अपना मोबाइल पाकर लोगों ने नालच चौपारण पुलिस की प्रशंसा की। नालच चौपारण से श्रद्धा ओपी विश्वकर्मा के साथ यशवंत भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट। नालच चौपारण पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में गत 2-3 महीने में जो भी मोबाइल थेफ्ट हुई थी या फिर गुमशुदगी की कंप्लेंट हमारे यहाँ पे दर्ज होती रहती है, ऐसे तकरीबन 56 मोबाइल हमारी टीम ने नालच चौपारण पुलिस स्टेशन की सीनियर पे बागल, पे चंदनकर, योगेश मोरे, राजेश नाटुलकर और इनकी टीम ने ये सब ट्रैक करके आइडेंटिफाई किया है और ऐसे 56 मोबाइल रिकवर करने में हमारी टीम सक्सेसफुल रही है। और आज 56 मोबाइल आज कंप्लेंट को रिटर्न करने का प्रोग्राम हमने रखा था, जो कि आज नालच चौपारण पुलिस स्टेशन के कैंपस में वो जो भी जितने भी मोबाइल मिले थे 56 मोबाइल थे, उसका वैल्यूएशन तकरीबन 10,71,000 है, वो रिटर्न करने का आज प्रोग्राम रखा गया था। सर, इस मोबाइल किस तरह से ट्रेस किया गया, जबकि इसमें से कुछ आईफोन भी है, आईफोन को ट्रेस करना नामुमकिन था, किस तरह से ट्रेस किया गया? एक्चुअली जो टेक्निकल एनालिसिस भी एक टूल है और दूसरा जो ओपन टूल है जिसमें कि CIR करके एक पोर्टल निर्माण किया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें कि हम कोई भी अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो कोई भी आदमी वहाँ पे जाके CIR पोर्टल पे अपना IMEI नंबर रजिस्टर करके पुलिस की जो भी कंप्लेंट रिपोर्ट की कॉपी है वहाँ पे स्कैन करके अपनी मोबाइल का रजिस्ट्रेशन, गुमशुदगी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद कोई भी अगर ये मोबाइल परचेस कर लेता है या फिर यूज़ करता है, उसका सिम कार्ड ऑटोमेटिकली और उसका लोकेशन कंप्लेंट को पता चल जाता है, पुलिस को भी पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम निकाल लेते हैं। कभी कभी जनता ऐसा सोचते थे कि हमारा आईफोन चोरी हो गया, गायब हो गया, अब वो तो ट्रेस हो नहीं पाएगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ हैं, उनके लिए आप क्या आह्वान करेंगे जनता के लिए, ऐसा लोगों के लिए? एक तो अपना ये जो कीमती मोबाइल वगैरह रहता है तो इम्पोर्टेंट एक तो डाटा है, आप उसको तुरंत अनलॉक करके रखें। दूसरी चीज़ है कि जैसे अपना मोबाइल या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चोरी हो जाते हैं तो आपको CIR करके गवर्नमेंट ने जो पोर्टल किया है वहाँ पे जाके आपको आपकी पूरी कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर करनी पड़ेगी।